हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें लखनऊ में जज के घर में केयरटेकर की हत्या हुई है धारदार हथियार। और इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, प्रयागराज पहुंचे टीएमसी और पीड़ित परिवार से मिला टीएमसी डेलीगेशन, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। दरअसल प्रयागराज में जिस तरह से एक ही परिवार के लोगों की हत्या की गई, उसके बाद से अब यहां पर प्रयागराज टीएमसी का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार अब राजनीति तेज हो रही है, तो प्रयागराज पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रयागराज से, जहां पर पीड़ित परिवार से टीएमसी डेलीगेशन मिला है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी डेलीगेशन मुलाकात किया है परिवार से। They're trying to bury this incident, and therefore the families demand that they want a CBI approach should be abided by, and that is something the government has nothing to hide. Then they should have no problem. I mean, the CBI is also controlled by the BJP government. They should not have a problem handing over the case to the CBI. अच्छा, आप लोग जो victim families की क्या मदद कर रहे हैं? ठीक है, victim families से हम अभी मिले हैं, उन्होंने हमें उनकी कुछ demands बताई हैं यहाँ पे। अब जैसे CBI जांच उसमें से एक demand है, या इनके लिए कहीं नौकरी, ये पूरे बेघर हो गए हैं, इनका जो परिवार, बहन इनकी, इनकी बीवी मौत हो गई है उनकी, इनका कुछ नहीं रहा है अभी, तो ये जो